तुम्हारा अपराधी मैं हूं पार्वती। मैंने ही तुम्हारे पुत्र का वध किया है। तुम्हारा अपराधी मैं हूं पार्वती। आपने किया मेरे पुत्र का वध, किंतु क्यों स्वामी? ऐसा क्या अपराध किया था उस बालक ने? उत्तर दीजिए। मेरे पुत्र अबोध बालक को प्राण दंड क्यों दिया आपने? मैंने कुछ पूछा है आपसे? उत्तर दीजिए। मां का हृदय पुत्र की मृत्यु का कारण समझाने पर भी कहां समझ सकेगा मां? और तुमसे क्या कहूं, दुखद सत्य तो यह है कि इसके शीश को इसके धड़ से विलग कर इसके प्राण हरने वाला मेरा ही त्रिशूल था। वो बालक जिसका जन्म अभी ही हुआ था, जिसने संसार को जाना तक नहीं था, उसका इतना भयंकर अंत हुआ मेरे ही स्वामी के इस तीक्ष्ण त्रिशूल से। इतना कष्ट हुआ होगा उसे, उसका प्राणांत हो गया। क्यों क्यों हुआ ऐसा? जो मेरे ही हृदय का स्वरूप था, मेरी ही कल्पना से जन्मा था, जो मेरी ही आज्ञा का पालन कर रहा था, उसके किस दोष के लिए ऐसा भीषण दंड दिया आपने उसे? उसके शीश को कैसे विलग किया आपने? माता महाशक्ति का क्रोध जागृत हो रहा है। माता कुपित हो, कदाचित हमें भयंकर दंड देंगी। जो हुआ वो अत्यंत कष्टप्रद है उमा, किंतु नियति के चक्र से तो मैं भी मुक्त नहीं। ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हमें क्षमा कर दे माता। माता हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माता हमें नहीं ज्ञात था कि ये बालक आपका पुत्र है। माता इसने हमें और प्रभु को भी भीतर प्रवेश करने से रोक दिया था। ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं। माता जब उसका विरोध कर भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया, तो उसने हम सभी को पराजित कर हमारी दुर्दशा कर दी। किंतु माता उसमें दोष हमारा ही है। वो प्रभु ने तो मात्र ऐसा रोष जागृत हुआ है माता महाशक्ति का कि उन्होंने नंदी को आकाश के अनंत विस्तार में भेज दिया।
किसी को भीतर नहीं जाने दिया ना मेरे पुत्र ने। आप सभी के अनुसार ये था उसका अपराध। माता के आदेश का पालन करना आपकी दृष्टि में अपराध कब से हो गया देवराज? मैंने अपने पुत्र को आदेश दिया था कि वो किसी को भीतर ना आने दे। बताइए मुझे, उत्तर दीजिए, क्या पूर्ण निष्ठा और समर्पण से एक पुत्र का माता की आज्ञा का पालन करना अनुचित है? इसके लिए तो उसे पुरस्कृत करना चाहिए था। और आप सभी ने उसे दंडित करने की स्थिति उत्पन्न कर दी। बिना तथ्य और सत्य जाने आप सभी उसे युद्ध कर उसे उत्तेजित करते रहे। तनिक धैर्य भी नहीं रखा गया आप सभी से। सभी देवता एक साथ होकर एक बालक पर अपना शौर्य प्रदर्शित करते रहे। मेरे पुत्र को अपने प्राण देकर अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए विवश कर दिया आप सभी ने। क्यों किया ऐसा? एक बार भी नहीं सोचा कि जिस असाधारण बालक ने आपको भवन में जाने से रोक दिया, जिसने अपनी शक्ति से आप सभी देवताओं को परास्त कर दिया, वो कौन हो सकता है? और यदि उसने आपको रोक ही दिया था तो थोड़ी प्रतीक्षा ही कर लेते। मैं अपना स्नान और अन्य कार्य कर यहाँ आने ही वाली थी, तब आप सभी से उसका परिचय करा देती। किंतु देवताओं का अहंकार ये कैसे स्वीकार करता कि एक अल्पायु बालक उनकी शक्ति को ललकारने में सक्षम हो रहा है? बताइए मुझे, महादेव या उनके गढ़ों के भीतर ना जाने से सृष्टि की किस महत्वपूर्ण लीला में बाधा आ रही थी? एक बालक से संघर्षरत हो गए आप सभी देवता, क्या यही है आपका पराक्रम? एक बालक से, मात्र एक बालक से क्या हानि पहुंचाई थी उसने किसी को? क्या वो आपसे आपका पद मांग रहा था देवराज इंद्र? मेरा पुत्र, मेरा कोमल हृदय, निष्ठावान आज्ञाकारी पुत्र मेरा, मेरी अपनी माँ की आज्ञा का पालन भर कर रहा था। बताइए मुझे, क्या इस घटना के बाद संसार का कोई भी पुत्र अपनी माता की आज्ञा का पालन करेगा? क्या किसी भी पुत्र में इतना साहस शेष रहेगा? आपको ज्ञात है मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए कितनी प्रतीक्षा की है।
कितने समय से पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा रही है मेरे हृदय में, इसका तनिक भी अनुमान है आपको कि पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए मैंने कितने कष्ट सहे हैं? बताइए, है ज्ञात आपको? आदि शक्ति हूँ मैं, आदि शक्ति हूँ मैं, आदि शक्ति हूँ मैं। वो आदि शक्ति जो उस समय सती के रूप में भी मैं सदा आपकी ही प्रार्थना में लीन रही, अपने पिता श्री प्रजापति दक्ष के विरुद्ध गई ताकि आपके साथ हमारा विवाह हो सके। बस सती, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा विवाह उस शिव वैरागी से कदापि नहीं होने दूंगा। अनेकों कष्ट सहे तब कहीं जाकर ब्रह्मदेव की सहायता से हमारा विवाह हुआ, परंतु उस विवाह के बाद भी मेरे कष्ट कम नहीं हुए। पिताश्री द्वारा आपको यज्ञ में ना बुलाए जाने के पश्चात आपके सम्मान की रक्षा के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी। सती का अंत अवश्य हुआ किंतु उसकी इच्छा पूर्ण रही, इसीलिए मैंने पुनः जन्म लेकर आपको मनाने के लिए वर्षों तक तप किए ताकि इस बार मेरे पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो सके, किंतु आप वर्षों तक समाधि में लीन रहे। आपको तो इसका आभास तक नहीं था। किसी प्रकार पुनः आपसे विवाह हुआ और वर्षों पश्चात जब पुत्र प्राप्ति की कामना की तो देवता अपने अपने संकट लेकर आप पहुंचे। हमें आश्वस्त कीजिए हे दयानिधान, ये आपके और माता पार्वती के संयोग से कभी भी कोई भी संतान जन्म नहीं लेगी। मेरे प्रथम पुत्र को आपने उनके कार्यों में लगा दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने द्वितीय पुत्र के लिए पुनः कठोर पुण्य व्रत तक किया। मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए त्रिमूर्ति के समक्ष गुण हो सके। तथास्तु। पुत्र पाकर एक माँ पुनः प्रफुल्लित हुई। तो आप सबके साथ मिलकर स्वयं मेरे स्वामी ने इतनी निष्ठुरता के साथ मेरे पुत्र का वध कर दिया। स्वामी, आपका त्रिशूल तो इसीलिए है ना कि उसका प्रयोग कर आप दुष्ट जनों से अपने भक्तों और अपनों की रक्षा कर सके, और आपने उसी से अपने पुत्र का वध कर दिया। मुझे बताइए महादेव, क्या शीश विलक करने के सिवाय आप कुछ और भी कर सकते हैं? स्मरण है आपको कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने काल भैरव का रूप धारण करके ब्रह्मदेव का ही शीश उनके धड़ से विलक कर दिया था, और फिर वीरभद्र का रूप धारण कर आपने प्रजापति दक्ष का भी शीश उनके धड़ से विलक कर दिया। किंतु इस बार तो आप सभी सीमाएं लांघ गए। आपके जिस पुत्र को आपका स्नेह प्राप्त होना चाहिए था, आपने उसी पुत्र का शीश उसके शरीर से विलग कर दिया। सर्वशक्तिमान है आप, ईश्वर है आप, तो उसका अर्थ ये नहीं कि जब आपकी इच्छा हो आप किसी को भी शत विछत कर देंगे।
यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी। इतना भी नियंत्रण नहीं है आपको अपने क्रोध पर? मुझे मेरा पुत्र पुनः चाहिए। आप तो ईश्वर है ना महादेव, मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कीजिए। उसे पुनः उठकर मुझे मां कहने के लिए कहिए। कुछ करिए महादेव, कुछ करिए। अन्यथा मैं भी अपना नियंत्रण खो दूंगी। मेरा पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र, मेरे सृजन से उत्पन्न हुआ मेरा पुत्र। क्यों महादेव, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? देवी पार्वती का क्रोध अपने चरम पर है, और अगर उन्होंने प्रचंड रूप धारण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यदि आप उसे जीवन देना नहीं चाहते तो मैं जीवित करूंगी उसे। मैंने ही उसका सृजन कर उसे जीवन दिया है, तो मैं ही उसे पुनर्जीवित करूंगी। उमा, कैसे समझाऊं तुम्हें, तुम्हारे समस्त प्रयास निरर्थक हैं। ये क्या हो रहा है? इसका शेष क्यों नहीं बना पा रही हूं मैं? उसे जीवन क्यों नहीं दे पा रही हूं मैं? उसके शेष के भस्म को एकत्रित कर रही हूं तो वो बिखर क्यों जाती है? रुक जाओ उमा, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। उसकी मां हूं मैं, मेरा प्रयास व्यर्थ कैसे हो सकता है? ये शीश मेरे त्रिशूल के प्रहार से भस्म हुआ है, और मेरे त्रिशूल से भस्म होकर कोई पुनः जीवित नहीं हो सकता। इसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है। नष्ट हो जाएगा। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता तो संसार भी शेष नहीं रहेगा। ऐसी विनाश लीला उत्पन्न करूंगी मैं। आप सभी नारी को क्या समझते हैं? भले ही कुछ भी होता रहे, आप सभी कुछ भी करते रहे और वो शांति से सब कुछ सहती रहेगी? नहीं, नारी संसार को जन्म दे सकती है तो उसको मिटा भी सकती है। अब
अब सर्वत्र विनाश ही विनाश होगा, कोई शेष नहीं रहेगा। महादेव, देवी पार्वती का उग्र होना संसार के लिए उचित नहीं, उन्हें रोकिए। यदि वो महादेव के कहे को अनसुना कर दे तो आप ही उन्हें समझाइए। प्रिय, अब समझने की आवश्यकता देवताओं को है स्वामी, जिनकी दृष्टि में पार्वती पुत्र का कोई महत्व नहीं था। इस संहार लीला में मैं भी देवी पार्वती के साथ हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.